शक्तियों आ गई, धरती पे शिव शक्तियां आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, शिव शक्तियां आ गई, धरती पे शिव शक्तियां आ गई। भारत आध्यात्म प्रधान देश है, जिसकी सभ्यता एवं संस्कृति बहुत प्राचीन एवं श्रेष्ठ थी। ये श्रेष्ठ सभ्यता और संस्कृति हमारे त्योहारों में झलकती है, परंतु इन त्योहारों के पीछे बहुत गहरा जीवन जीने का रहस्य समाया हुआ है, और जीवन जीने के कुछ महत्वपूर्ण तत्व बोध समाया है। ऐसा ही ये नवरात्र का त्योहार है। भारत में ये नवरात्र का त्योहार भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्र में शिव शक्तियों की विशेष पूजा करते हैं और उनसे शक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। भारत में वर्ष में दो बार नवरात्र का विधान बनाया है। विक्रम संवत के पहले दिन अर्थात चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पहली तिथि से 9 दिन अर्थात नवमी तक, और इसी प्रकार ठीक 6 मास बाद अश्विनी मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से महानवमी अर्थात विजयदशमी के पूर्व दिन तक। परंतु सिद्धि और साधना की दृष्टि से शारदीय नवरात्रि को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इन नवरात्रों में लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति का संचय करने लिए अनेक प्रकार के व्रत, संयम, नियम, यज्ञ, भजन, पूजन, योग साधना आदि करते हैं। कुछ साधक इन रात्रियों में पूरी रात पद्मासन या सिद्धासन में बैठकर मंत्रों का जाप द्वारा विशेष सिद्धियों प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। नवरात्र का आध्यात्मिक संदेश है कि बुराई पर अच्छाई की जीत और जीवन को दिव्य शक्तियों से सशक्त करना। नवरात्र शब्द में नव अहोरात्र विशेष रात्रियां का बोध होता है। शास्त्रों में नवरात्र की पौराणिक कथा में से एक कथा में कहा गया है कि महिषासुर ने खूब तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई मनुष्य या प्राणी मार नहीं सकता। इस वरदान से सशक्त वह स्वयं को महान समझने लगा और तीनों लोकों पर अपना साम्राज्य प्राप्त करना चाहा और सभी देवताओं को बंदी बनाया। तब परमेश्वर शिव ने आदि शक्ति को प्रकट किया और वह दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी, त्रिनेत्री थी और अष्ट भुजाओं वाली थी। उसने महिषासुर के साथ 9 दिन तक युद्ध किया और 10वें दिन महिषासुर का वध किया और देवी देवताओं को मुक्त कराया। महिषासुर कोई सचमुच में असुर नहीं है, लेकिन यही मनुष्य के आसुरी वृत्तियों का प्रतीक है। महिष शब्द का अर्थ भैंस है। भैंस मंद बुद्धि, अविवेकी तथा तमो गुण का प्रतीक है। रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक है। भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने रात्रि को दिन की अपेक्षा अधिक महत्व दिया, इसलिए दीपावली, होलिका, शिवरात्रि, नवरात्रि आदि उत्सवों को रात में ही मनाने की परंपरा है। दूसरा, मंदिरों में घंटे और शंख की आवाज के कंपन से
दूर दूर तक वातावरण कीटाणुओं से रहित हो जाता है। वास्तव में इन त्योहारों को मनाने के पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी होते हैं। यही दिव्य शक्तियां पृथ्वी को भी संतुलित बने रहने की ऊर्जा प्रदान करती है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के काल में एक साल की चार संधियां हैं। उसमें मार्च व सितंबर मास में पड़ने वाले गोल संधियों में साल के दो मुख्य नवरात्र पड़ते हैं। साथ ही प्राकृतिक परिवर्तन से मनुष्य के तन और मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऋतु परिवर्तन और सौर्य ऊर्जा के प्रभाव से मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का स्तर परिवर्तित होता है और यह उसके मन को प्रभावित करता है। जब ऊर्जा का स्तर बढ़ता है तब उसमें सात्विक प्रकृति विकसित होती है, अर्थात सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। मनुष्य में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे उसके लिए उन्होंने इन त्योहारों का निर्माण किया है, जिससे उमंग उत्साह में रहकर व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का स्तर बढ़े और वह स्वयं में सात्विक प्रकृति को विकसित कर सके। दूसरा, इस ऋतु संधि काल के समय रोगाणु आक्रमण की सर्वाधिक संभावना होती है, अर्थात शारीरिक बीमारियां बढ़ती है। अतः उस समय स्वस्थ रहने के लिए और तन मन को निर्मल और पूर्णतः स्वस्थ रखने के लिए मनुष्य उपवास एवं रास गरबा करते हैं, जिससे उसके शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है। नवरात्र त्योहार के प्रारंभ में लोग सर्वप्रथम कलश की स्थापना करते हैं, अर्थात परमात्मा शिव इस कलियुगी रात्रि में आकर सर्वप्रथम भारत की माताओं एवं कन्याओं को शक्ति स्वरूपा बनाकर उनकी बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान भरकर उन्हें ज्ञान कलश प्रदान करते हैं, जिससे मनुष्य का अज्ञान अंधकार नष्ट होता है। दूसरा, अखंड दीप जलाते हैं और जागरण करते हैं, अर्थात ज्ञान दृत से आत्म दीप जगाकर ये कलियुगी रात्रि में उस दीपक को अखंड जलाते हुए आत्म जागृति ले आना और इस रात्रि में जागरण करना है। तीसरा, व्रत नियम और उपवास रखते हैं, अर्थात परमात्मा शिव असुरों के खात्मे के निमित्त ब्रह्मचर्य व्रत अर्थात पवित्रता का व्रत और जीवन में श्रेष्ठ आचरण के नियम संयम को धारण करवाते हैं तथा शुद्ध शाकाहारी भोजन या उपवास रखते हैं, अर्थात ऊपर निवास करने वाले परमात्मा के तरफ हमारी बुद्धि का वास रहे ऐसा उपवास करवाते हैं। चौथा, कन्या पूजन करते हैं, माँ दुर्गा महालक्ष्मी एवं सरस्वती की पूजा करते हैं। ये कन्या पूजन क्यों करते हैं? क्योंकि ये शिव की उत्पन्न की गई शक्तियां हैं, जिनसे वरदान मांगते हैं। दुर्गा से शक्ति का वरदान मांगते हैं, महालक्ष्मी से धन का वरदान मांगते, सरस्वती से बुद्धि का या ज्ञान का वरदान मांगते हैं। वास्तव में नवरात्रि के प्रथम तीन दिन माँ दुर्गा की पूजा इसी भावना के साथ करते कि हे माँ, हमारे दुर्गुणों का नाश करो या हमारी कमजोरियों का नाश करो और दिव्य शक्तियों का वरदान दो। उन्हें महिषासुर मर्दनी भी कहते हैं। माँ दुर्गा की उपासना करके व्यक्ति अपनी नकारात्मक मनोवृत्ति एवं बुरे संस्कारों को जीतने की शक्ति चाहता
ताकि वह स्वयं में सकारात्मक शक्ति को विकसित कर आत्म उन्नति कर सके। उसके बाद के 3 दिन वह महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं। जब दुर्गुणों का नाश होता और आत्म शुद्धिकरण हो जाता, तब आत्मा में दिव्य शक्तियों का संचार होता और व्यक्ति वास्तविक धन को अर्जित करने की पात्रता को विकसित कर सकता है। वास्तविक धन अर्थात श्रेष्ठ चरित्र का धन, उच्च संस्कारों का धन, सद्गुणों का धन। नवरात्रि के अंतिम 3 दिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना एवं आवाहन करते हैं। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी मानी गई है। कहने का भाव है कि जब व्यक्ति अपने आसुरी संस्कारों का नाश करके आत्म शुद्धिकरण कर श्रेष्ठ चरित्र, श्रेष्ठ संस्कारों एवं सद्गुणों का धन प्राप्त करता, तब व्यक्ति में आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता और शक्ति आती है। अध्यात्म अर्थात ज्ञान के अध्ययन द्वारा आत्मा अपने अधिपत्य को प्राप्त करे, अर्थात वह आत्म संयम को धारण कर अपने जीवन में संतुलन ला सकता है। ज्ञान की शक्ति से व्यक्ति विवेक युक्त समझ से यथार्थ कर्म योगी जीवन जी सकता है। यह शिव शक्तियों को हमेशा प्रकाश चक्र में सजी हुई स्वरूप में अष्ट भुजाओं में अस्त्र शस्त्र धारी एवं शेर पर सवारी करती हुई दिखाई है, जिसका रहस्य है प्रकाश चक्र। यह उनके संपूर्ण आसुरियता पर विजय एवं पवित्रता का प्रतीक है। दूसरा, सजी हुई मूरत, ये वास्तव में उनके दिव्य गुणों रूपी गहनों से सुसज्जित होने का प्रतीक है। तीसरा, शेर पर सवारी, शेर की सवारी अर्थात प्रकृति जीत की निशानी। जब शिव शक्तियों ने अपने आप को संपन्न बना लिया, अर्थात स्थूल जगत के सर्व आधारों से निराधार हो गई, तो प्रकृति की कोई आपदा विपदा उन पर वार करने के बजाय उनका सत्कार करती है या उनकी दासी बन जाती है। चौथा, अष्टभुजा में अस्त्र शस्त्र धारी, यह योग के दिव्य अष्ट शक्तियों रूपी शस्त्रों द्वारा माया के विरुद्ध अहिंसक आध्यात्मिक युद्ध व विकारों पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की निशानी है। यह अष्ट भुजा में अष्ट अलंकारों का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? इन अलंकारों में यह देवियां सजी हुई है, परंतु यह हिंसक नहीं है। इनके नैनों में करुणा भाव एवं स्वरूप शक्ति का ही झलकता है। यह अलंकारों का बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। जैसे सुदर्शन चक्र अर्थात सदा स्वयं की कमजोरियों का दर्शन कर उन्हें नष्ट करना, और जब दूसरों को देखे तब उनकी अच्छाइयों का दर्शन करे। दूसरा, त्रिशूल, त्रिशूल के नीचे की छड़ दृढ़ निश्चय का प्रतीक है और ऊपर के 3 पत्तियां अर्थात मन वाणी व कर्म द्वारा 5ों विकारों रूपी राक्षसों को नष्ट कर उन पर विजय प्राप्त करने का प्रतीक है। तीसरा, शंख अर्थात ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा शिव द्वारा उद्घाटित ज्ञान के रहस्यों की शंख ध्वनि कर अज्ञान अंधकार में सोई हुई मनुष्य आत्माओं को जगाने का प्रतीक है। जब शंख बजता है तो उसमें से हमेशा ओम की ध्वनि निकलती है, जिसमें 3 अक्षर समाये हैं, अ उ म, अर्थात अ माना आचरण, उ माना उच्चारण
और माना मन के विचारों को एक करना, मन वाणी कर्म में सुसंवादिता को ले आना। चौथा तलवार अर्थात मन पर प्रहार करने वाले ईर्ष्या द्वेष विकार वासनाओं रूपी भूतों को इन ज्ञान रूपी तलवार द्वारा मार गिराने का प्रतीक है। पांचवा धनुष बाण, इसका भावार्थ ज्ञान के आधार पर लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करना व पुरुषार्थ रूपी बाण चलाकर ध्रुव पद अथवा एक रस एवं श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करना है। छठा ज्योति, जगती ज्योति सदैव आत्मिक ज्योति जगे रहने का ही प्रतीक है। सातवा गदा, कहा जाता है कि गदा जब ऊपर होती है तो युद्ध में जाने का प्रतीक है और गदा जब नीचे होती है तो युद्ध में विजयी होने का प्रतीक। जीवन रूपी संघर्ष में परमात्मा ज्ञान की गदा से माया अर्थात पांच विकारों से युद्ध कर उन पर विजय प्राप्त करने का प्रतीक है। आठवा कमल पुष्प, कीचड़ भरे संसार में रहते हुए तामसिक विकारी एवं विषाक्त वायुमंडल से अलिप्त एवं पवित्र रहने का प्रतीक है। ये दिव्य शक्तियां आंतरिक आध्यात्मिक शक्तियां हैं, क्योंकि विकार या आसुरी वृत्ति ये आंतरिक दुर्बलता से उत्पन्न होती है। यही आध्यात्मिक शक्ति द्वारा कमजोरी रूपी असुरों का संहार करना है। इन शक्तियों की धारणा कुछ मूल्यों के आधार पर कर सकते हैं। इन शक्तियों के आधार से ही हम कठिन समय में विपरीत परिस्थिति को सहजता से पार कर सकते हैं। इन शक्ति की धारणा ही हमें हर परिस्थिति में विजयी बनाते हुए कई आत्माओं के लिए आदर्श बनाती है। इन्हीं आदर्शों को लोगों ने शिव शक्ति के रूप में पूजा। अतः हर आत्मा रूपी शक्ति शिव परमात्मा की संतान है। स्वयं को पहचान कर शिव पिता से संबंध जोड़ने से ही शक्तियों की प्राप्ति कर दुष्टों का संहार कर सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकेंगे।